गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ गई हूँ एंड अभी जो है बहुत थक गई थी तो लेट उठी हूँ, क्योंकि कल परसों की रात में मैं पूरा इसमें ही थी, राइट, फ्लाइट में, तो नींद ही नहीं हुई थी। ऑल्सो अभी मैं एडिटिंग हो गई है ऑलमोस्ट, थोड़ा से बाकी सो ब्लॉग आ रहा है मेरा नया, सो कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट कीजिए ब्लॉग में, एंड और क्या क्या कर सकती हूँ मैं ये भी बताइए। प्लस यहाँ धूप देखो कितनी है, एसी चलाना पड़ रहा है कंटिन्यू, बहुत गर्मी है, हद गर्मी है। सो मैं मिलती हूँ आपको चाय के साथ, बाय बाय। एंड ये हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। हमने बनाया इडली, यहाँ पे जो देख रहे हो इडली है ये, देन इडली की चटनी एंड ये उसके ऊपर का तड़का, एंड ये बन गई गर्मा गर्म इडली रेडी। केरला एंड केरला का फूड ना खाए साउथ इंडियन तो कैसे चलेंगे। सो ये है इडली जो रेडी हो गई है, एंड ये देखो हमारा ब्रेकफास्ट सेटअप, ये है चटनी एंड ये फ्रूट्स एंड ये इडली सांभर एंड ये ऐसा सेटअप हमने किया था। गाइस अभी हम रेडी हो गए हैं एंड अभी हमारा खाना परोस हुआ है। सो ये रहा खाना, आज हम खा रहे हैं चिकन करी रोटी एंड चावल, एंड ये सब केरला स्टाइल बनाना लीव्स में। देखिए कुछ लीव्स देती हूँ मैं, तो हम निकल गए अभी बाहर जाने के लिए, एंड देख सकते हो आप व्यू एंड धूप। सो मैं जा रही हूँ अभी पार्किंग में, यस। सो अभी जो है हम जा रहे हैं फोर्ट कोची, तो वहाँ पे देखते हैं अभी क्या क्या मिलेंगे और क्या क्या नहीं। ये देखो गर्ल्स रेडी हो गए हैं। हार्बर होटल में, एंड यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू था, देखिए बहुत ही सुंदर ग्रीनरी में बना हुआ है, एंड बहुत एंटिक होटल बनाया इन्होंने, एंड यहाँ पे तो जो फ्लावर्स है और एंड जो झाड़े बहुत सुंदर, मॉन्स्टर तो यहाँ पे ऐसे उगता है यार, ये देखो जैसे जंगली झाड़े, इसमें बड़ा भी है। हाँ सेल्फी लो आप गाइज। हम आए हैं ये वाले कैफे में, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैफे है। फिर ऐसा घूम घूम कर हमने हर एक स्पॉट पे फोटोज़ क्लिक किए बाद ये देखो आप देख सकते हो हम टेबल के और बैठे। आगे है फोर्ट कोची में, ये देखो भीड़, एंड यहाँ पे आते से ही फिश की स्मेल आना शुरू हो गई है एकदम ही ज़्यादा, एंड ये आपको दिखा देती हूँ मैं कि क्या है। जो मेन देखना मिला वो है ये चाइनीज़ फिशिंग नेट, एंड ये बहुत ज़्यादा ओल्ड टेक्निक है यहाँ की, एंड ये देखो ये है फोर्ट जो
फोर्ट कोची का, एंड यहाँ पे मकर संक्रांति थी तो वो पतंग उड़ रहे थे, देखो कितने सुंदर सुंदर पतंग उड़ रहे थे एकदम सी के साइड में, बट बहुत ज़्यादा गंदगी थी यार, कुछ भी बोलो गंदे। ये ईगल शेप का पतंग था एंड गंदगी तो बहुत ही ज़्यादा थी, देख जिसकी हद नहीं। एंड देन ये यहाँ पे जो चाइनीज़ मेथड से जो फिशिंग करते हैं उसका ये पूरा सेटअप था जो कि बंद था उस दिन के लिए, वरना मैंने आपको दिखाई होती कि कैसे करते हैं। हाय गाइस, अभी हम निकला हुए हैं लीला कैफे में एंड ये फोर्ट कोची का एरिया में। तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ थी, फोर्ट कोची जो है ना समुंदर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसीलिए अभी हम कहीं और जा रहे हैं तो भीड़ में हमें। सो ये है कैफे लीला, यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये एक हाउस में कैफ़े बनाया गया है एंड इसका जो है बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है कुआं है एंड ऊपर पूरा सिटिंग एरिया, ये जो है ये कुआं बनाया है। सो बहुत ही सुंदर है, ये भी एकदम एंशियंट फील देता है एंड इस ऊपर जाए कि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट किया है उन लोगों ने। इनके जो आइडियाज़ है ना कैफ़ेज़ बनाने की, उसका आर्किटेक्चर एंड ऑल बहुत ही सही है एंड कम जगह में एकदम सुंदर स्वीट सा ये लोग बनाते हैं एंड डेकोर जो है ये लोग ओरिजिनल प्लांट से ही करते हैं मोस्टली, देख सकते हो आप ऊपर से ये कैसे सुंदर दिख रहा था। रास्ते में हमें ये दिखा कुछ, सो ये कुछ नया था हमारे लिए देखने के लिए। सो ये उतना अच्छे से वीडियो में नहीं आया है आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे से बहुत गाड़ियों के लाइट थे एंड ट्रैफिक हो गया था वहाँ पे, बट ये बहुत ही यूनिक था ये। घर पे हमने बनाई बिरयानी खा के दिन मैं सो गई क्योंकि बहुत थक गई थी। मिलती हूँ आपको कल, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।